महाराष्ट्र के श्री चरणों में बना। एक जबलपुर की माता जी का प्रश्न है, पूछती है, पूज्य श्री महाराज श्री, कृपया हमारी अंतर्मुखी वृत्ति कैसे बने, इस पर मार्गदर्शन करें। इसका तो सीधा उत्तर ये होगा कि जबलमुखी वृत्ति का जितना जितना त्याग होगा उतर ही होती है, अंतर्मुखी वृत्ति होगी। जैसे एक सेठ जी राजस्थान में कहीं यात्रा कर रहे थे और अपनी खोटनी वृत्ति उसको तो रख दिया सड़क के दूसरी तरफ और स्वयं समझा बंद करने के लिए बैठ गए दूसरी तरफ। तो बार बार की नजर समझा बंधन करते समय सोचने पर जाती थी है ना, साथ नहीं ले। हम एक मंदिर में दर्शन करने गए तो जूता था, जूते को दरवाजे के बाहर निकाल दिया और आनंद में गए। वैसी जगह ठाकुर जी के सामने खड़े हुए कि एक और तो ठाकुर जी दिखते हैं और एक और जूता भी दिखते और यदि बोलने लगे कि तुम्हारा माता से पिता तो नहीं, जब दृष्टि जूते की ओर जाती थी ना तो तुम्हें और बंधु ने दिखा दिख रहा था। कहने का अभिप्राय ये कि जब संसार में हम किसी से राग द्वेष करेंगे वो तो बाहर है, उसकी ओर दृष्टि जाएगी और जिससे द्वेष है उसकी ओर भी दृष्टि जाएगी। तो जितना जितना बाहर की वस्तुओं से राग द्वेष की कमी होगी उतने उतना भगवान की ओर दृष्टि जाएगी। अंतर्मुखी वृत्ति का अर्थ यही है कि या तो वृत्ति निसंकल्प या तो वृत्ति निरोधाकार। निसंकल्प माने निरोध पर्यंत, निसंकल्पता में तो निरोध पर्यंत है और निरोधाकारता में ब्रह्म पर्यंत है। तो वृत्ति अंतर्मुख तभी हो सकती है जब अपने शरीर सहित अपने अंतकरण सहित प्रपंच के किसी भी अवयव से किसी भी अंग से राग द्वेष न रहे। राग द्वेष रहते वृत्ति संपूर्ण रूप से अंतर्मुख नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा के स्वरूप को समझना और वृत्ति को निराकार करना ये तो दूर की बात है। पहले ही जो संसार में है वृत्ति लगी हुई है उधर से राग द्वेष की निवृत्ति होना आवश्यक है। तो इसी से श्री स्वामी जी सुना रहे थे इसको आगमे न अनुमाने प्रत्यक्ष न अनुमाने निगमे नात्म संविदा आद्यंतो दशज ज्ञात्वा निसंगो तेरे दिशा। प्रत्यक्ष दिखता है कि खड़ा आदि जो है सावय पदार्थ टूट जाते हैं और अनुमान से भी सिद्ध होता है कि पृथ्वी आदि जो सावय पदार्थ है क्योंकि पृथ्वी का घट आदि के समान पृथ्वी का नाश तो प्रत्यक्ष होता नहीं। अनुमान से पृथ्वी के नाश का भी पता चल जाता है और आकाश की भी उत्पत्ति और प्रलय शुद्धि में शुद्ध है इसलिए निगमे नस्मादायस्मादात्मना। आकाश की उत्पत्ति वेदों में वर्णन है इसलिए वो भी नाशवान है। तो घटादि असत आद्य भगवत्वाद और पृथ्वी आदि असत आद्यंतवत्वा आकाशादि असत आद्यंतवत्वा और प्रधानमपि असत
तो जब ये वस्तु का विचार करके और संसार की वस्तुओं में जो राग द्वेष है, धन में है, परिवार में है, शत्रु मित्र में है, शरीर में है, कर्म में है, भोग में है, भाव में है, स्थिति में भी जितना जितना राग द्वेष निवृत्त होता जाएगा उतनी उतनी ये जो वृत्ति है ये अंतर्मुख शांत होती जाएगी और वृत्ति निर्विषय होने पर पहले अज्ञान है। वृत्ति निर्विषय होने पर अपने को अधिष्ठान से पृथक नहीं दिखाती है। यदि अज्ञान मिट जाए तब तो दिखे तो भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं है और न दिखे तो भी अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, परंतु जब तक अज्ञान नहीं मिटा है, अज्ञान है, तब तक भी वृत्ति यदि निर्विषय हो जाए तो अपने को वो अपने अधिष्ठान चेतन परमात्मा अलग नहीं दिखाएगी। इसलिए कई लोगों को जो भ्रम हो जाता है कि उनको ज्ञान हुआ, क्योंकि वो वृत्ति अपने को अधिष्ठान चेतन से अलग नहीं दिखाती है। सुषुप्ति जैसी कोई अवस्था हो जाती है उसको मानते हैं कि उनको परमात्मा की। तो अंतर 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 अंतक अंतर की जो परिभाषा है वो जिससे अंतर और कोई ना हो, तो किससे अंतर और कोई नहीं है, अपने आत्मा से अंतर और कोई नहीं, क्योंकि जो आत्मा से बाहर है वो तो बाहर देश रूप बाह्यता सहित वो वस्तु कल्पित है और जो परोक्ष है वो काल सहित और देश सहित स्वरूपतः सर्वथा कल्पित है। इसलिए अंत 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 की पराकाष्ठा है अपना आत्मदेव और अपने को देखो, अपने को देखने का प्रयास करो, देखो मत, अपने को देखने का प्रयास करो तो प्रकृति शांत हो जाएगी। बाबा को कहते थे शरीर को अचल कर दो, यदि ऐसा अभ्यास हो जाए कि 3 घंटे तक पलक न हिले, शरीर न हिले, तो मन भी अचल हो जाएगा, क्योंकि शरीर से पृथक वस्तुतः मन नहीं। यदि नेत्र की पुतली स्थिर हो जाए तो मन बदलमुख नहीं होगा और संसार का राग द्वेष छोड़ करके भगवान से प्रेम कर ले तो वृत्ति बदलमुख नहीं होगी और वैराग्य अभ्यास के योग से वृत्ति बदलमुख नहीं होगी। देखो ऐसा लगता है हमारा मन फल सत्य चलेगी, मन तो यही है कलकत्ते से गया नहीं, अच्छा ऐसा कहो कलकत्ता हमारे मन में आ गया, वो तो जहां का कहा है वो कहा आया, तो मन में एक कल्पना हुई कलकत्ते की और उस कल्पित कलकत्ते को हमने आया हुआ मान लिया। मन में कल्पित हुआ कलकत्ता और हमने मान लिया कि हमारा मन हमारी वृत्ति कलकत्ते चली गई, न कलकत्ता आया न तो वृत्ति गई, ये जाने आने का दोनों ही भ्रम हुआ। जिसकी भ्रम रूपता को जितना जितना समझेंगे कि आना जाना बिल्कुल नहीं है उतनी उतनी वृत्ति अंतर्मुख होती जाएगी। तो संसार के चिंतन को छोड़ करके भगवत चिंतन करो, भागवत चिंतन करते करते भागवत में तो ऐसा लिखा है कि भगवान के एक एक अंग का ध्यान करें
और अंततो गत्वा सुस्मितम भावये मुखम, मुस्कुराते हुए मुखारविंद की भावना करो और तच्च त्यक्त्वा पदारोहो न किंचिदपि चिन्ते, उसका भी त्याग कर दो और मुझमें आकर के बैठ जाओ। और इस प्रकार द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम जो है वो निवृत्त हो जाएगा। तो यदि आपकी इच्छा हो कि हमारी वृत्ति अंतर्मुख हो तो वृत्ति को अपने पास लाइए, दूसरे के पास मत लीजिए, बस वृत्ति अंतर्मुख। हम लोग भी मुद्रा बताया करते थे, मुद्रा हाँ वो है अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता सा मुद्रा शांभवी नाम सर्वतंत्रेषु गोपिता। तो ये उपनिषद में मंडल ब्राह्मणों के उपनिषद में ये शांभवी मुद्रा का वर्णन है। उसका अर्थ ये है लक्ष्य तो हो भीतर और आंख हो खुली और पलकों का उठना गिरना न होता हो, क्योंकि यदि पूरी दृष्टि खुली रहेगी और सामने देखेगी तो आते जाते विषय उनका विक्षेप रहेगा, और यदि आंख बंद कर लेंगे तो लय हो जाने का डर रहेगा। इसलिए पूर्णा दृष्टि और अमा दृष्टि दोनों छोड़ करके प्रतिपद दृष्टि का अभ्यास करने के लिए इसका नाम है प्रतिपद दृष्टि। सा मुद्रा सामनेवेश न गिरे और न उठे, फलक जहाँ की तहा और पुतले जहाँ की तहा सामग्री मुद्रा हो गई। अब महाराज इसके लिए तो उपासना के जो ग्रंथ है उनमें ऐसे लिखा है वेद शास्त्र पुराण सामान्य गणिका है एक ही वो सामग्री विद्या गुप्ता कुलबधूर ये कुलबधूर है और सर्वथा गुप्त है बाबा बाबा के हाथ से लिखे हुए 300-400 श्लोक उड़ीसा की लिपि में लिखा था और बाद में मैंने उसको मैं लिपि लिखवा दिया। गणेशी नाथ जी के बारे में होनी चाहिए क्योंकि वही लिखे वही उसके बहुत गणेशी नाथ शिकवा तो देते। उनका उस समय आग्रह था कि हिंदी अनुवाद कर दीजिए और योग विषय के श्लोक थे उनका हिंदी तत्काल कर सकते। हमारा तो नियम से कोई काम करके पूरा करना सोफा होते सोफा है ज्यादा सोचते वो उस समय रुचि नहीं थी पर वो रामकरण के पास हो गए। इन्हीं का एक प्रश्न और है, पूछते हैं कि चाह कर भी उपासना नियमबद्ध ही रह जाती है, सरस नहीं हो पाती, कृपया त्रुटि बताइए। ऐसा है चाह भगवान की तरफ नियम के पर चाह वसूली हो गई, क्योंकि चाह जो है चाह माने इच्छा, ये इच्छा शब्द को ही उलट पलट के संसार संसार में चाह बना तो इच्छा तो है ही है उसमें इच्छा में और वो आ भी है इसलिए इच्छा शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है इच्छा। वैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले कह आ नाम का एक प्राणी बनाया आ आ जा भाई संसार में जा। अब आया महाराज तो कोई उसको स्वीकार न करे, सब लोग कहें कि हम चाहने की क्या करेंगे। लौट के ब्रह्मा जी के पास गया तब उन्होंने आपके मुंह पर
चकार की चद्दर उठाए और चकार की चद्दर बोल के जब चा बन गया, अब तो गुजारिश करते हैं हमारे पास आओ हमारे पास आओ। ये जो चाह है ये निर्विषय नहीं होती, इच्छा जो है इच्छा कभी निर्विषय नहीं होती। जब कोई इच्छा होगी तो किसी चीज की इच्छा होगी, किसी आदमी की इच्छा होगी, किसी क्रिया की इच्छा होगी। इच्छा के पेट की इच्छा कभी निर्गर्भ नहीं होती, इच्छा कुमारी कन्या तो कभी होती नहीं। जब इच्छा होती है जब गर्भ होती है तो इच्छा के पेट में जब भगवान को लाओगे तो नन्हे नन्हे भगवान इच्छा के पेट में आ जाएंगे और वो कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, कभी आंख मटकाएंगे, कभी पांव नचाएंगे, कभी हिलेंगे, कभी डोलेंगे। तो भगवान से प्यार तो नहीं है, चाह में रखा जाएगा। और यदि केवल नियमबद्धता की ही चाह करेंगे कि हमारे जीवन में नियम आ जाए, नियम नियम नहीं, जिसके लिए नियम लेना चाहते हो उसको इच्छा का विषय बनाओगे तो उसमें सरसता आ जाएगी। तो है ना, भागवत में श्लोक है किंबा परई ईश्वर सत्यो हृदय रोजते अत्र तो पृथ्वी शुश्रूषु भी तत्व अवरुद्यते। क्या दूसरा कोई शास्त्र या साधन है जो तत्काल लाकर ईश्वर को हमारे हृदय का कैदी बना दे, बंदी बना दे? नहीं। तब क्या है? शुश्रूषु की कृति भी शुश्रूषु विस्तु तत्क्षणात् अवरुद्यते। यदि कोई पुण्य आत्मा जिनके जन्म जन्म के सुकृत वो केवल सुनना चाहे, आओ चले भगवत कथा श्रवण करें, भाई आज क्या कथा है, आज तो जमुना जी के तट पर पावन कुलिन पर गायों के पीछे पीछे गोचारण करते हुए मुरली मनोहर श्याम सुंदर नंदन नंदन पीतांबर धारी ठुमक ठुमक के नाचते हुए रुनझुन पायल बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए आज तो जमुना पुलिन पर आवेंगे। ये कथा इस विषय की कथा हो रही है। अच्छा, इस विषय की कथा हो रही है, भगवान तो आ गए हमने। कथा सुनने से पहले ही आ गए कृतिभि शुश्रूषु भी कृतिभिस्तु तत्क्षणात् वरुण देते, एक क्षण का भी विलम्ब न हो। इसलिए नारायण चाह जिसकी होगी वो आपका प्यारा होगा और चाह के पेट में बैठ के वो आपके पास आवेगा तो आपकी चाह भी रसीदी हो जाएगी। और यदि आपकी चाह होगी कि चांद्रायण व्रत करेंगे, पंचाग्नि तापेंगे, तो चाह रसीदी नहीं होगी। चाह वो भी अच्छी है पर वो चाह रसीदी नहीं होगी। तो एक दुर्वाचार होता है नहीं क्योंकि ऐसे लिखा कि यदि आग में कपड़े को डाल दिया जाए तो बिल्कुल खुश्क हो जाए, लेकिन उस आग की गर्मी को यदि किसी प्रकार जल में ले आए और उसमें कपड़ा डाल दो तो वो सूख जाए। तो ये जो ज्ञान की आग है, ज्ञान की आग है, ये सीधे यदि आवेगी तो तुम्हारे अंतकरण को भी बंद कर और उसको यदि भक्ति रस में उतार के ज्ञान की आग हृदय में आओगे तो ये हृदय को युक्ति है। सब लिखा हुआ है तो उसके उपासना रसीदी चाहती है वो, उसके लिए वो उत्तर को हटाती होगी। उपासना शब्द चाह कर भी उपासना नियम बदल ही रह जाती है। उपासना शब्द ये ऐसा है वृंदावन भक्ति और
प्रेम और प्रीति ये सब शब्द चलता है, बाहर के लोग तो इसको भी उपासना ही करते हैं। ये भी मधुर उपासना, रसोपासना, ये सब प्रकार मधुर उपासना, रसोपासना, उपासना शब्द तो यहाँ भी चलते ही है। इसलिए वो जो दूसरी जगह के लोग हैं वो वृंदावन की पुष्टि को भी उपासना ही करते हैं। ये तो वृंदावन के लोग उससे अलग करके रखना चाहते हैं, बाहर के लोगों के लिए ऐसा कुछ जो उपासना करना तीन लोग से बचना नहीं। भाई शब्द उपासना थोड़ा सा है लेकिन इसका कितना विस्तार है ये समझना पड़ेगा आपसे। श्री चरणों में एक महात्मा प्रश्न करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से तन्मात्राएं निकलती हैं, ऐसा सुना, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है कृपया बताओ। ये शरीर का भी और कणों का भी एक एक अपना मंडल, जैसे नींबू का अचार रखा है तो वो कितनी दूर पर रखा है और उसकी कितनी जानकारी दोनों बात, जिसने कभी नींबू का अचार नहीं लिया उसके नंबर पर प्रभावान करेगा और दिखाई न पड़ता हो गंदना आदि हो तो प्रभाव कम करेगा, लेकिन अपने मन में उसका संस्कार है और नींबू का अचार कोई दूर पर रखा है वे हमको तो याद करने पर भी जीव पर पानी आ जाता है। तो नींबू खींचता है कि जीव खींचती है, ऐसे आंख से पहाड़ देखता है तो कितनी दूर से हमारी आंख उसको देख पाती है और कितनी दूर से वो दिखाई पड़ता है, ये दोनों एक एक मंडल होते हैं, शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के, गंध के, मन में राग के, द्वेष के, तो वे अपने आस पास की वस्तुओं को प्रभावित करते हैं। यदि कामी पुरुष के संग में रहोगे तो उसके काम का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। अब ये है कि किसी का मन यदि बहुत धर्मनिष्ठ हो, बलवान हो, न पड़े, परंतु पढ़ना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि जन्म जन्म की काम वासना का संस्कार अपने मन में रहता है और जिस वस्तु का अभाव अपने को खटकता है तो उसका आकर्षण और बहुत ज्यादा रहता है। जैसे स्त्री समझती है कि पुरुष में न जाने क्या है, मैं नहीं जानती, पुरुष समझता है कि न जाने स्त्री में क्या है, मैं नहीं जानता। स्त्रीत्व का अभाव पुरुष में और पुष्प का अभाव स्त्री में, ये अपने को पूरा करने के लिए एक दूसरे की ओर खींचता है। अब खींचने का ये जो प्रकार है ये कण कण में होता है, जीवन जीवन में होता है, मन मन में होता है, इसलिए तत्व को संगसृज्य सत्सुसचेत होना, इसलिए कुसंग छोड़कर हमेशा सत्संग में रहना चाहिए। सत्संग जो है यही संघर्ष संत संघर्ष निर्देशजम, संत जो है वो संघ के, संघ माने संजन, एक दूसरे का मिल जाए, तो जहां हमारे संस्कार मनोभाव और
शरीर में रहने वाली विशेषताएं एक दूसरे से मिलती हैं, वहां जो परिवार होता है वो प्रभावित होता है। जैसे सूर्य से ताप और प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जैसे चंद्रमा से आह्लाद और प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जैसे जल के तट पर रहने पर उसके जो सीकर हैं वो हवा को ठंडी करते हैं, आग के पास रहने पर उसकी जो अर्चियां ज्वालाएं हैं वो पास को ताप देती हैं, फूल के आसपास जैसे सुगंध फैलती है, इसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वो अपने आप को फैलाती हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी होती है। प्रसंग मदरम पासम आत्मन कवयो विदो सैव साधुषु कृतो मुक्ति द्वारम अपारता। ये जो प्रसंग आसक्ति है, एक ऐसा फंदा है जो कभी पुराना नहीं पड़ता, बढ़ते जाता है। इसको संगम अजर पासम, इसको बुद्धिमान लोग जानते हैं, परंतु यही प्रसंग जब सत्पुरुषों के साथ होता है, सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा अपावृतम, वो मुक्ति का खुला द्वार। ये तन्मात्राएं तो वृक्षों से भी निकलते हैं, तो अंग्रेजी के शब्द तो कुछ मालूम नहीं है, ये क्या ऑक्सीजन होता है, पेड़ छोड़ते हैं, घर में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आपको पानी नहीं चाहिए, कार्बन चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि रात्रि के समय पेड़ के नीचे मनुस्मृति में रात्र न वृक्ष मूलानी निषेधे का प्रयत्न कर, रात के समय रात को जो गैस निकलती है नुकसान करते हैं, परंतु नीम का जो वृक्ष है जिसके लिए अपवाद नीम के वृक्ष के नीचे रात को रह सकता है और बाकी किसी वृक्ष के नीचे, तो कहने का अभिप्राय ये हुआ तन्मात्रा होती है, इस वृक्षों में भी तन्मात्रा होती है, पशुओं में भी तन्मात्रा होती है, सब इस पर रूप रस गंध इनको तन्मात्रा के रूप में तो हम लोग मानते हैं, नैयायिक वैशेषिक तो गुण मानते हैं, परंतु ये जो हमारे सांख्य योग और वेदांति ये तन्मात्रा के रूप में स्वीकार करते हैं, स्कूल वस्तुओं को प्रभावित करने के लिए इनमें बहुत शक्ति होती है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पवित्र स्थान में रहना चाहिए, पवित्र भावना और कुसंग से बचना चाहिए। ततो दुसंग सज्ज सत्सु सज्जे बुद्धिमान संत संगस्य ईषदा। श्री बल्लभाचार्य महाराज का वचन है, संगत को सर्वथा त्याज्य सचेत तुम न सक्य है, महद्विष्ट कर्तव्य संत संगस्थ। ये जो संग है, ये संग माने सात को होता है, पर संस्कृत में उसका अर्थ होता है आसक्ति, संजनन सकते, जिससे आप आसक्ति करेंगे, जिसका संग करेंगे, उसका गुण, उसका धर्म, उसकी प्रवृत्ति आपके भीतर धीरे धीरे संस्कार अवश्य डालेंगे। एक कलकत्ते में थे मदन गोपाल गाड़ोदिया, उनका जब तक उनके पास 10 लाख रुपए थे तब तक घर में चौका ब्राह्मण बनाता था, सब लोग क्यारी में बैठे एक एक रोटी ताजी ताजी बना के जब 50 लाख रुपए उनके पास हो गए तब उनके मित्रों ने कहा
क्लब में चला करो, खाते पीते नहीं, खाना पीना मत, ऐसे लोगों के साथ हाथ से विरोध करना। और धीरे धीरे उन लोगों ने कहा कि खाते ही सूखा हुआ ले चला कर वो खाना। फिर बोले कि वहाँ की तस्करी को साफ करके काम लाई जाए, क्या अंदर। फिर धीरे साथ बाजी फल खाया कर, उसके बाद महाराज पकौड़े बनाते हैं, हाथ नहीं छूते हैं। धीरे धीरे ये दशा हुई उनकी महाराज कि जो कुछ क्लब में खाना पीना रहना सब उनके अंदर आ गया। बाद में रुपए चले गए, नहीं रहे तो सब छोड़ छाड़ के वो पांडिचेरी अरविंद आश्रम में गए और अंतिम जीवन उन्होंने वहीं व्यतीत किया। तो वो बताते थे कि संघ का कैसा असर होता है ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। इसलिए अपनी कंपनी जिसको बोलते हैं, ये सोसाइटी का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, इसका ध्यान रखना आवश्यक। और प्रभाव तो सभी वस्तुओं में से माटी का प्रभाव पड़ता है। पुराण का नाम समझ तो नहीं मालूम है कि किस पुराण में कथा है, पर ब्रह्माओं के मुख से सुना कि जब रामचंद्र और श्री सीता जी लक्ष्मण जी पर की यात्रा कर रहे थे, लक्ष्मण जी का तो बहुत ही प्रयत्न, एक स्थान ऐसा आया जहाँ लक्ष्मण जी ने रामचंद्र से कहा कि भाई तुम दोनों को रहते हुए बड़े आनंद में, और उनके लिए टोकरे धोते धोते एक हंसी कंड खोदने के लिए, लकड़ी तोड़ के लाने के लिए, और खाने पीने की वस्तु ढूंढने के लिए हमको करना पड़ता है, साड़ी जीवन को पिस्टल करके चलना पड़ता है, तो अब हमसे ये नहीं होगा, तुम लेके चलो। रामचंद्र भगवान ने जब लक्ष्मण की ये बात सुनी, संतोषी लगती है, तो उन्होंने कहा तेरे यदि मैं इसकी बात मान लूंगा तो वो सवास आने पर ये मर जाए। तो बोले कि अच्छा मेरे भाई, आधा कोस तक और इस टोकरी को ले चलो, फिर मैं ले लूंगा। तो जब आधा टोकरी के बाद गए, अब तो लक्ष्मण भी रोने लग गए बड़े जोर से कि ये मेरे मुंह से ऐसा वचन क्यों निकला कि आप टोकरी लेके चलिए, मैं तो अब जाऊंगा। वहां कोई महात्मा रहते थे, रामचंद्र लक्ष्मण जी को लेके गए, तो महात्मा ने बताया कि देखो ये वही स्थान है जहाँ सुंदर कुसुम दोनों भाई रहते थे और आपस में लड़ के मर गए, तो उनका संस्कार इस धरती में ऐसा है कि और तो और लक्ष्मण जी को भी ये प्रभावित करने में समर्थ है। इसलिए जहाँ इस तरह के काम होते हैं उस भूमि से भी और वहाँ के व्यक्तियों से भी और वैसे क्रियाकलापों से बच के ही रहना चाहते हैं। हमको भाई जी हनुमान प्रसाद जी ने सुनाया, ये गिरजाघर बना लंदन में है नया नया, उसमें जब पादरी लोग क्या करते प्रार्थना करते हैं प्रेयर करने के लिए इकट्ठे हुए, तो जो मुख्य वहाँ का पादरी था प्रार्थना के बाद में लोगों को रोक गए और बोला कि भाई ऐसा कभी नहीं हुआ जीवन में कि प्रार्थना करते समय हमको गुस्सा का भाव उदय हो, आज यहाँ ऐसा भाव उदय हो रहा है कि मारा काफी जैसे करें। तो जितने वहाँ प्रार्थना करने वाले एकत्र थे सबने कहा कि हमारे मन में भी हिंसा का ही भाव आया, तो एक कमीशन बैठा दिया गया कि जांच करें। जांच करने पर मालूम हुआ कि उस स्थान पर 150 वर्ष पहले एक कसाई था और वही टूट टाट गया, नष्ट हो गया, तो उसके ऊपर ये गिरजाघर बना हुआ है।
तो हिंसा के संस्कार वहाँ बने हुए हैं। इसी से पवित्र स्थान चाहिए, पवित्र जल चाहिए, पवित्र लोगों का संग चाहिए, पवित्र चरित्र चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन में सुधार होता है। तन्मात्राएं तो सब में होती हैं और छूटती हैं, और किसी किसी के शरीर में से ऐसी दुर्गंध निकलती है कि उसको स्नान करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, चंदन मंदन लगा के आते हैं, माला पहनते हैं, और कभी कभी तो ऊंची गद्दी वाला कभी मैंने देखा है, नाम नहीं बताऊंगा, कि बड़ी बड़ी गद्दी पर बैठते हैं परंतु उनके शरीर में से ऐसी दुर्गंध निकलती है कि उनके पास बैठना भारी हो जाता है। तो गंध के समान ही रस के भी परमाणु होते हैं और रूप के भी होते हैं और स्पर्श के भी होते हैं। उनका प्रभाव थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म होता है, कोई सत्य होता है और कोई त्यक्त होता है, ये दो विभाग हैं। तो त्यक्त का प्रभाव पृथक पड़ता है, सत्य का प्रभाव पृथक पड़ता है, परंतु पड़ता है प्रभाव अवश्य। इसलिए जहां तक हो सके अपनी साधना के विपरीत जहां भाव हो वहां मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। परंतु जो महाराष्ट्र आज सभा मंडप में आपने जो साकेत शब्द की व्याख्या की उसे मैं ठीक से सुन नहीं पाई, कृपा करके उसे एक बार फिर कह देने का कष्ट करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साकेत शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया है, क्या कोई विशेष कारण हो सकता है, पूछने वाले को प्रयोग करके। ऐसा है कि वैसे तो साकेत संस्कृत का ही शब्द है, जैसे संकेत है तो सब उपसर्ग लगने से केत हो गया, वैसे आ उपसर्ग लगने से आकेत हो गया, और आकेत के पहले जब सा लग गया तब उसका नाम साकेत हो गया। आकेत माने भगवान के निवास का स्थान, महल, ऐसा समझो। आकेत माने महल, और जिसमें भगवान के महल हो उसका नाम होता है साकेत। तो केत का क्या होता है, केवल केत निवास, केतन निवास, अच्छा निकेतन, निकेतन शांति निकेतन, परमात्मा अर्थ निकेतन, रमा निकेतन, रमार्थ निकेतन, तो निकेतन का ही वाचक केत है, केत है निकेतन, केता अनिकेतक गीता अनिकेतक स्थिर व्यक्ति परिवर्तन। अब ये है कि गोस्वामी जी चाहते हैं कि परिवार हमारे अंतर और बाहर दोनों में हमसे बहुत पास है, तो वो बैकुंठ से आना रामचंद्र का नहीं है। वो मानते हैं कि अंत में शंकर जी ने जो सलाह दी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई में जाना, वहीं से माने सर्वत्र समान जो परिवार है, निर्गुण विगत विनोद सोई है प्रेम प्रगति वक्त कौशल्या की बोध, जो निर्गुण ब्रह्म है वही राम के रूप में प्रकट हुआ है। यहाँ तक कि स्वयं भू मनु के प्रसंग में ही कह दिया उन्होंने कि विष्णु भगवान को बार बार आए परंतु स्वयं भू प्रचलित नहीं हुए, और विष्णु भगवान ये तो रामचंद्र के अंश है, विष्णु तो रामचंद्र के अंश विष्णु तो तभी हो सकते हैं कि रामचंद्र तो हों, और प्रत्येक ब्रह्मांड की उपाधि से उसकी कल्पना हो और उसमें है जो विष्णु के रूप में रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो राम है वो आधिदैविक राम नहीं है और आध्यात्मिक भी नहीं, वो तो तुरीय ब्रह्म ही है। तो तुरीय ब्रह्म होने से अध्यात्म में, हृदय में, अध्यात्म में सर्वत्र उनका सान्निध्य रहता है, और उनका जो प्राकट्य है वो हमारे निकट लाने के लिए वर्तमान जीवन में
इसी धरती पर इसी जीवन के निकट लाने के लिए उनका आने के लिए उनका प्राकट्य है। तो साकेत में भगवान को न भेजकर वे सर्वदा ब्रह्म रूप से सर्वत्र परिपूर्ण रहते हैं और कभी कभी धरती पर प्रकट रूप से जब कौशल्या होते हैं दशरथ होते हैं स्वयं मनु और शत्रुपा का जो आराधन है वो जब सफल होता है तब भगवान इसी धरती पर अवतार लेते हैं और अभी कोई वैसा प्रेमी हो तो ले सकते हैं।